और आइए बढ़ रहे हैं आगे। आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन से पहले मेरठ वालों का रैपिड रेल का इंतजार खत्म हो गया है। गाजियाबाद की साहिबाबाद से मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन सफर अब शुरू हो गया है। ये अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से पहले एनसीआर से मेरठ तक का सफर बेहद आसान और सुखद हो गया है। अब तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन की। आरआरटीएस के 82 किलोमीटर में से 42 किलोमीटर के सेक्शन में रैपिड रेल का सफर हो गया है सुहाना। निखिल हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। निखिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया उसको निभाया, पूरा करके दिखाया। रक्षाबंधन से पहले देखिए बहुत बड़ा तोहफा मेरठ वासियों के लिए कहा जाएगा कि मेरठ से अब जो सफर पूरा किया जाना है वो रैपिड ट्रेन के माध्यम से ये सफर और आसान, सुखद और आरामदायक हो गया है। आप मुझे लग रहा है इस समय ट्रेन के अंदर ही मौजूद हैं। लोगों से ही बात करिए और जानकारी इससे जुड़ी हुई संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, मेरठ वासियों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और आप देख सकते हैं कि यहां पर हम इस समय नमो भारत ट्रेन में है और मेरठ साउथ से अब ये ट्रेन चलने जा रही है। ये पहली ट्रेन है और पहली ट्रेन में पहला सफर, ये पता है कितना एक्साइटमेंट है मन में? एक्साइटमेंट तो है, लेके कि डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम कम लगेगा, बट जो फेयर है वो अभी ज्यादा है, तो उस चीज को देख के ये है कि क्या होता है आगे वो देखने को। लेकिन मेरठ वासियों ने बहुत लंबा इंतजार किया है इसके लिए। इंतजार किया, अब इंतजार और भी है, रास्ता तो अभी और भी बाकी है। अच्छा, रक्षाबंधन से ठीक पहले ये सफर शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था? हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब ये आधी सफलता मिल चुकी है, आधी बाकी है। तो आधी सफलता मिल चुकी है, आधी और बाकी है, और लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस सफर के लिए। आप बताएं कि कितना एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस ट्रेन में बैठने का? बहुत अच्छा है, आज फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं मेरठ से, और धीरे धीरे ये मेरठ तक पहुंच जाएगी तो और अच्छा, हमें आसानी रहेगी मेरठ। अच्छा, बहुत सड़कों में गड्ढे थे, तमाम जो काम चल रहे थे, अब जाकर ये सफलता हाथ लगी है, तो कितना मजा आने वाला है? बिल्कुल, अगर आपको टाइम कम लग रहा है, अब ऐसा एहसास हो कि दिल्ली अब दूर नहीं, तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। आप मेरठ बिल्कुल कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अब दिल्ली और मेरठ में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहा, बस मात्र 50 मिनट और आप दिल्ली पहुंच गए। और आगे भी इसमें, यहाँ पर मैं देख रहा था सराय काले खा तक जुड़ेगी, तो आने वाले पल में मेरठ बहुत ही विस्तार से बढ़ेगा आगे, और बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है ये, बहुत अच्छा लग रहा है सफर करने। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ट्रेन चल चुकी है, यानी जो मेरठ की जो ट्रेन, मेरठ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेरठ के लोग जो अभी तक वेट कर रहे थे, उस ट्रेन में बैठकर ये सफर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरठ साउथ से ये ट्रेन साहिबाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। रास्ते में 9 स्टेशन से 42 किलोमीटर का सफर है और ट्रेन ऐसी है जिससे नजरें हटाने का मन नहीं करता। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। ये बताएं मैम, कैसा एक्सपीरियंस है आज मेरठ से ट्रेन चल रही है? बहुत बढ़िया भैया, खुश हैं सब क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे, बस और क्या। मैं तो खुशी। सर ये बताएं, दिल्ली का सफर अब क्या आसान हो जाएगा? दिल्ली का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा। मेरठ से दिल्ली तक का जो इसका टाइम रखा गया है मोदीपुरम से, वो 55 मिनट है, 82 किलोमीटर का। यहाँ मेरठ साउथ से साहिबाबाद ठीक है। निखिल, देखिए तकनीकी खराबी, क्योंकि मौसम इस समय दिल्ली एनसीआर का सुहाना हो रखा है। मेरठ में भी बारिश हुई है, दिल्ली में भी बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे आप कह सकते हैं कि तकनीकी खराबी मौसम की वजह से आ सकती है। लेकिन हमारे सहयोगी जो इस समय रैपिड ट्रेन के अंदर मौजूद है, निखिल, वो लोगों से बात कई बार कोशिश भी की गई चलाने की, लेकिन आप रक्षाबंधन से पहले खुशी देख सकते हैं। सरकार ने ये तोहफा दिया है बहनों को भी और लोगों को भी कि वो सड़कों के गड्ढे से ही बच जाएं और जो जाम लगता है उससे भी बच जाएं। इस ट्रेन में आरामदायक सफर है, पैसा थोड़ा ज्यादा जरूर लगता है पर सफर के आगे उसकी कोई। आप देख सकते हैं कि ये लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो देखते ही बनती है। आप देखिए, लोग सेल्फी ले रहे हैं, ये दौर जारी है और सेल्फी लेने का ये दौर है। नई ट्रेन, कई घंटे लगते थे दिल्ली से, अब देखिए मेरठ तक का सफर करने में घंटों के साथ साथ धक्का मुक्की, सरकारी वाहनों के अंदर आप कहिए यातायात करते हुए भारी भरकम भीड़ के साथ आपको सफर को पूरा करना होता था, लेकिन अब आरामदायक ये सफर हो गया है क्योंकि ये रैपिड ट्रेन जो है, रैपिड रेल जो है, वो चल पड़ी है, जिसके अंदर से हमारे सहयोगी निखिल इस समय मौजूद भी थे और तस्वीरें और लोगों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी की आप तक पहुंचाते हैं, जहां जिला पंचायत सभागार में विकास कार्यों को लेकर मीटिंग हुई है। मीटिंग में सीडीओ के ना पहुंचने पर विधायक भड़क गए, बीजेपी के विधायक यहां नाराज हो गए। विधायक साहब का कहना है कि यह कोई सामान्य बैठक नहीं है, मैं डिप्टी सीएम से इसकी शिकायत करूंगा। परसों अगर
21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के आना सीडियो साहब पहुंच गए, अगर कुसुम की लगी मिले मैं उठा के फिर दूंगा, बता दे रहा हूं। सीडियो अपने मंत्री चलेगा क्या यहाँ पे? यानी लोग बेवकूफ है यहाँ पे, सब संविधायक सांसद यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं, सब बेवकूफ है। योगेश वर्मा जिंदाबाद। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इससे पहले कल गाजियाबाद में भी एक डॉक्टर ने पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा पर जनता से बात नहीं करने का आरोप लगाया था। बीपी त्यागी की हम बात कर रहे हैं। बीपी त्यागी नाम के डॉक्टर का आरोप है कि सीओजी नंबर पर कॉल करने पर पुलिस कमिश्नर बात नहीं करते। उन्होंने एक मंच पर कॉल कर उनका डेमो भी दिखाया कि लोगों से बातचीत वो नहीं करते हैं। बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। एक जिला मदर जिसको यहाँ कमिश्नरेट ने जिला मदर किया हुआ है, आईएमए को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, कमिश्नर से मैं मिला तो उसने ये बोला कि आप इसकी शिकायत कर दीजिए। शिकायत करने के बाद चौकी तक जब मामला पहुंचता है तो जिला मदर उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि वो जिला मदर उनको कुछ पैसे देता होगा, हर चौकी बिकती है, हर खाना बिकता है, तो किससे हम उम्मीद रखें सुरक्षा की? एक पुलिस कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर जो हमसे एक में छोटा है वो हमसे बात नहीं कर सकता? तो यही बात है पूरे भारत की, वहां भी पुलिस इन्वॉल्व है और पुलिस ने ही हमारी बच्ची के साथ ऐसा कर। और आइए अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। ये तस्वीरें इसलिए दिखाना बहुत जरूरी है जिसमें लखीमपुर खीरी और गाजियाबाद की तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहां लखीमपुर खीरी में सीडीओ बोर्ड मीटिंग में नहीं पहुंचे, जहां पर बीजेपी के विधायक नाराज हो गए, और वहीं गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर पर लोगों के फोन नहीं उठाने का जो डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं वो उन्होंने मंच से लोगों को इसका डेमो भी लाइव दिखा दिया। ये दोनों ही वीडियो वायरल हो रखे हैं।